सीधे लिए चलते हैं बोकारो, जहां पर देखिए मथुरा प्रसाद महतो अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हैं। सीएम चंपाई सोरेन भी वहां मौजूद हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, ये महंगाई के नाम पर ये अपना सत्ता में आया। जैसे सत्ता में आया, एक गैस सिलेंडर 400 जगह में 1100 से 1200 चल गया है, और एक दिन भी महंगाई का बात नहीं बोला। एक दिन भी पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, एक दिन भी नहीं बोला पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। ये हर समय ये झूठ बोल के राजनीति किया भारतीय जनता पार्टी। ना महंगाई के नाम पर वोट मांगने आ रहा है, ना यहाँ का बेरोजगार का कभी बात करते हैं, इसलिए उनका कोई मुद्दा नहीं है। देश में हर समय ठगने का काम किया है। बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहते थे वो, हम अच्छा दिन लाएंगे। अच्छा दिन भी उनका नहीं आया। ये बड़ा जोर से कहते थे हम विदेश से काला धन लाएंगे, आप सबको 15 लाख रुपया दे देंगे। 15 पैसा किसी को नहीं दिया। बड़ा जोर से कहता था हम सब 2 करोड़ युवा युवती को हम नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं दिया। ये शुरू से आज झूठ बोल के ये 10 साल देश में राज किया है, और यहाँ का एमपी भी उसी तरह का है। 10 साल से उन लोग अपना बीजेपी का ही एमपी बना या उन्हीं का समर्थन। ये लोग अपना जो भी एमपी है, जो भी लोग लोकसभा में उम्मीदवार है, ये लोग अपना कुछ नहीं है। किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं लोग? देश का प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग। अरे उसका नाम पर जो 2014 से खाली जुमला झूठ बोला है, और उसका नाम पर ये लोग भोग मांग रहा है, कितना ये शर्म की बात है। अरे जो देश को जो जो वो घोषणा किया, हाँ जुमला साबित हुआ, और उसका नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। अपना कुछ काबिलियत नहीं है, अपना पार्लियामेंट सीट में कुछ बात नहीं उठाएगा, एक कभी नहीं उठाएगा। ये लोग उन जो झूठ से बोलता है, वो झूठ का बात को लेके वो लोग वोट मांग रहा है। इसलिए आज जनता समझ लीजिए, आज हम आप लोगों को हम इसलिए हम दावा के साथ कहते हैं 2019 में आप सबों ने विधानसभा में बहुमत दे दिया, जनादेश दे दिया, और इन हमारा गठबंधन का सरकार बनाने का आपका अहम रोल रहा। हम लोग ये 4 साल के अंदर में, 4.5 साल के अंदर में हम लोग जनता के लिए काम किया है। आपको हम बताएंगे, ये जो डबल इंजन का सरकार पिछले जो रघुवर दास के समय था, वो डबल इंजन का सरकार, यहाँ का गरीबों का 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया था, 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया था, आपका जनादेश दिया, आपका महागठबंधन सरकार जो बना, और सरकार हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड दे दिया झारखंड में। ये बड़ा चिल्लाता है हमने 80 करोड़ क्या कर दिया देश में, कितना गरीब रेखा का नीचे ला दिया है, कितना गरीब रेखा के नीचे ला दिया है। 80 करोड़ जनता 5 किलो एक परिवार को दे रहा है और डिंग हक रहा है। ये आपकी सरकार, हम लोग ने ये सोचा
ये बात ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा दयनीय स्थिति है। हर परिवार को हम लोग, जो भी बूढ़ा माँ बाप है, हर को हम लोग 1000 करके हम लोग पेंशन देने का काम किया है। पूरा झारखंड प्रदेश में अभी हर परिवार को हम लोग योजना दे दिया है। लेकिन वो भाई भारतीय जनता पार्टी ये राशन कार्ड रद्द किया था, प्राइमरी स्कूल भी बंद कर दिया था 5000 से ज्यादा, ताकि आदिवासी के बेटा, मूलवासी का बेटा नहीं पढ़ सके, या का दलित का बेटा नहीं पढ़ सके। इसलिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया। लेकिन हमारी सरकार या आपकी सरकार, हम लोग ये स्मार्ट मॉडल स्कूल हम लोग शुरू किया है हर प्रखंड में, हर जिला में, कि यहाँ का गरीब का बेटा, किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी, दलित का बेटा बेटी, गरीब गोरबा का बेटा बेटी, बाजार में जो निजी स्कूल से बढ़िया पढ़ाई होगा, गांव में पढ़ाई होगा, प्रखंड में पढ़ाई होगा, पंचायत में पढ़ाई होगा, ये आपकी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। ये कभी झारखंड का हित में वो लोग नहीं काम किया है, झारखंड के हित में वो लोग बनने का अधिकार भी नहीं है। झारखंड की इस धरती आवाज, ये जगन्नाथ बाबू का मुंह का आवाज है। 1932 का खतियान झारखंड का स्थानीय नीति का आधार हो, कभी भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं मानेगा। विधानसभा से हम लोग पारित करके भेज दिया है राजभवन, ये बड़ा चालाकी से उसको लोग रोक दिया है। यहाँ के पिछड़ी जाति के लिए, ओबीसी के लिए 70% हम लोग विधानसभा से पारित करके हम लोग भेज दिया राजभवन, ये लोग रुकवा के रख दिया है। ये आरक्षण विरोधी है, ओबीसी का विरोधी है, ये लोग इसीलिए 70% को आगे नहीं बढ़ने दिया है भाइयों। और यहाँ का आदिवासी के साथ भी धोखा हुआ है, बड़ी जोर से धोखा हुआ है। आदिवासी का मांग है, हमारा सारना धर्म कोड होना चाहिए, हमारा पहचान होना चाहिए, हमारा परंपरा बचना चाहिए, हमारा देवी देवता के स्थान बचना चाहिए, हमारा भाषा संस्कृति बचना चाहिए। ये उसको भी है लो विधानसभा से पास करके हम लोग भेजा, और वो भी राजभवन में रोक दिया है। नहीं चाहता ये लोग आदिवासी का विकास हो, नहीं, ये लोग को भारतीय जनता पार्टी का सोच नहीं है कि आदिवासी का अस्मिता भी बचे। इसीलिए आप सब का हमारा इस चुनाव में, आप सब इसका जवाब देने का समय आया है। ये लोग लोकतंत्र को बचाना नहीं चाहता है, ये लोग संविधान को संशोधन करने का इच्छा है, और देश के अंदर में, राज के अंदर में एक तानाशाही लाने का इन लोग का सोच है। इसलिए सभी भाइयों, आप लोगों को हम बताएंगे, मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए ही ये भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति कर रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में